अस्सलामु अलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित करसी सा। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में भुज की सरजमीन पे एक पुरानी मस्जिद है जो आज से तकरीबन 736 साल पहले जो भुज में तामीर की गई थी। और वैसे देखने जाए तो भुज की सबसे पहली ये मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है 736 साल पहले। उस दौर उस ज़माने में जिस तरह से बनाई गई थी, आज तो इनका लोकेशन, आज इनका व्यू आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जिस तरह से भूकंप के बाद नई तामीर की गई ये मस्जिद, बहुत खूबसूरत किस तरह से बनाई गई है और बहुत बढ़िया काम किया गया है। एक हमीसर तालाब की किनारे पर और ये बुलंद गेट है। अंदरूनी नज़ारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और दोस्तों, बहुत सारे यहाँ ऐसे काम किए गए हैं। ये है हमीसर तालाब, ये है पुराना कुआं। इस तरह से मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये पुराना कुआं है जो उस दौर उस ज़माने में यहाँ तामीर किया गया था, पुरानी मस्जिद। ये दरगाह शरीफ है, कुराट सा रहमतुल्लाह अलैह, जो दरबारगढ़ से हम आते हैं इसी रास्ते से ये दरगाह शरीफ आएगी और इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मस्जिद आ जाएगी। और ये है हमीसर तालाब से आप जब मस्जिद की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ से आना पड़ेगा। ये है हमीसर तालाब का किनारा है, जो मोहम्मद पना की मस्जिद के पीछे की साइड का ये रास्ता है। और आप यहाँ से इस तरह से जब आएंगे तब आप सीधा मस्जिद की ओर आएंगे। ये मस्जिद का बुलंद गेट है जो बहुत बढ़िया खूबसूरत काम किया गया है ये मस्जिद का। और ऐसी खूबसूरत मस्जिद जो खूबसूरत अंदाज में बनाई गई है, ये जो कब्रें है उस दौर उस ज़माने में जिन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई थी उन लोगों की यहाँ कब्रें हैं। तो इस तरह से मैं आपको एक खूबसूरत लोकेशन बताने की कोशिश करता हूँ। ये ऊपर की साइड की मस्जिद है जो एक खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत नज़ारा है किस तरह से यहाँ गुम्बद का काम किया गया है और किस तरह से अंदर ज़ूमर है। और आपको खूबसूरत नज़ारा ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमीसर तालाब के किनारे पर बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत ये मस्जिद है। आप एक मरतबा यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह आपको सुकून मिलेगा और ठंडक ही ठंडक महसूस करेंगे आप, क्योंकि जन्नत मस्जिद हो और ठंडक हमीसर तालाब पास में हो तो ठंडक ही आएगी। और मस्जिद भी ठंडक है क्योंकि जन्नत मस्जिद है तो वो भी हमें ठंडक ही देती है। तो इस तरह से ये हमीसर तालाब झील है, हमारे भुज कच्छ भुज पाटनगर का आन बान और शान जिस तरह से कहा जाता है, ये हमीसर तालाब, हमीसर झील जो खूबसूरत नज़ारा होता है, इसके किनारे पे ये मस्जिद जो तामीर की गई है हिजरी सन 708 में, जहां मस्जिद तामीर की गई थी। तो वैसे देखने जाए तो भुज की सरजमी पर ये पहली मस्जिद होगी जो आज से तकरीबन 736 साल पहले ये मस्जिद बनाई गई थी। तो एक खूबसूरत नज़ारा, अंदर से ये बुलंद गेट है जो व्यू, ऊपर गुंबद, और बेहतरीन अंदाज में जिस तरह से काम किया गया है और बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब मस्जिद ये लगती है। और इसका काम जो इस मस्जिद का संचालन करते हैं, मेमन हाजी अब्दुल गनी लतीफ, जिन्होंने 45 साल से इस मस्जिद का संचालन मुतवली है, संचालन करते हैं। तो किस तरह से खूबसूरत मस्जिद बनाई है ये हमारी नज़र के सामने है। दोस्तों, ये ऊपर की साइड का हिस्सा है जहां लोग बड़ी तादाद में आते हैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए। ये है ऊपर गुंबद और ये है लाजवाब ज़ुमर। बहुत बढ़िया लोकेशन है, जो आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपको सुकून मिलेगा इस जगह पे।
और अब मैं ले चलूँगा आपको नीचे की साइड, जहाँ नीचे का मस्जिद का हिस्सा है वहाँ ले चलूँगा। ये है दूसरी साइड जहाँ मस्जिद तामीर करवाई थी, उन लोगों की यहाँ कब्रें हैं। और ये है मस्जिद के अंदरूनी हिस्सा जो है अंदर का हिस्सा, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक खूबसूरत नज़ारा है, ये मेहराब है, खूबसूरत पुराना ऐतिहासिक मेहराब। और यहाँ ऐतिहासिक कुआ है, जो पुराना कुआ है, जहाँ उस दौर उस ज़माने में जिस तरह से यहाँ मस्जिद तामीर की गई थी, तो यहाँ पुराना कुआ है, ऐतिहासिक कुआ है, पुराना है, और आज भी इसमें पानी मौजूद है और मीठा पानी है। खूबसूरत मस्जिद है, लाजवाब मस्जिद है। एक ऐसा काम किया गया है भुज की सरजमी पर, जन्नत मस्जिद इसको कहते हैं। अगर आपको इस मस्जिद देखना है तो आप अगर आएंगे हमीसर तालाब के रास्ते से, महादेव गेट पड़ेगा, ये इतिहास लिखा हुआ है वहाँ। आज भी इजरी सन 708 में यहाँ मस्जिद तामीर करवाई गई थी। तो अब अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, इस मस्जिद को देखना चाहते हैं, तो हमीसर तालाब से आपको महादेव गेट के पास आना पड़ेगा। और महादेव गेट के ये पुरानी चीज़ें हैं, जो मस्जिद के ऊपर मीनारे थे उनका ये गुंबद का नज़ारा है, आपको बताने की कोशिश करता था। तो ये है खूबसूरत मंजर मस्जिद का। और आपको आना है तो महादेव गेट से आपको डायरेक्ट दरबारगढ़ का रास्ता जो पड़ता है, उसी जगह से आप आएंगे तो आपको बीच में ये मस्जिद आ जाएगी। एक खूबसूरत नज़ारा है, बेहतरीन लाजवाब नज़ारा है, जो देखते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, सुकून वाली जगह है। ये पुराना ऐतिहासिक मिंबर और ये कब्रें हैं, जिस तरह से मस्जिद तामीर करवाई थी उस दौर उस ज़माने की ये कब्रें हैं। इन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई थी, उनकी यहाँ कब्रें हैं। ये है ऊपर की साइड का हिस्सा। और ऐसा खूबसूरत नज़ारा मैं आपको बताने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि ऐसी मस्जिद, यादगार मस्जिद, जन्नत मस्जिद, जो तकरीबन 736 साल पहले यहाँ मस्जिद तामीर करवाई थी, और भूकंप जब आया था तब इस मस्जिद को जो नुकसानी हुई थी, उसके बाद ये मस्जिद नई तरह से एक लाजवाब बेस्ट मस्जिद भुज की सरजमी पे बनाई गई है। और ऐसी ठंडक अंदर महसूस होती है, क्योंकि एक तरफ हमीसर तालाब झील है और दूसरी तरफ जन्नत मस्जिद है, दोनों आमने सामने हो जाए तो फिर क्या बात है। एक खूबसूरत नज़ारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक खूबसूरत मिंबर, जो कलाम पाक की आयतें लिखी गई है, और ज़ुमर के बीच में खूबसूरत नज़ारा हमको दिखाई देता है। ये है पुराना कुआ, जो राजा शाही के ज़माने में, आज से तकरीबन 736 साल पहले यहाँ कुआ बनाया गया था। खूबसूरत नज़ारा आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आप यहाँ का जो व्यू देखेंगे, ये है हमीसर तालाब शाम के टाइम का, जो मगरिब नमाज के बाद जिस तरह से मस्जिद का लोकेशन है, यहाँ का जो व्यू है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये है शाम के टाइम का व्यू है, जो मगरिब नमाज के बाद जिस तरह से लोकेशन है। तो दोस्तों, चलो आज मैं आपकी खिदमत में भुज की सरजमी की ये मस्जिद है, दीजिए इजाज़त। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, कल मिलेंगे नए एपिसोड के साथ।